चिकन महारानी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको ऐसे निकाल कर रोटी चावल जिससे भी खाना है खा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं बनाना। आज हम आपको बताएंगे चिकन महारानी कैसा बनाते हैं। ये चिकन हमने ले लिए 750 ग्राम होगा करीब। इसको हम एक बाउल में डाल देंगे बड़े में। ये 100 ग्राम दही है, इसको हमने बीट कर लिए थे। अब इसमें से हम आधा डालेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम बाद में डालेंगे, इतनी बचा लेंगे, साइड कर लेंगे। अब इसमें एक नींबू का रस डाल देंगे। अब इसमें एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे भरकर। एक चम्मच नमक डालेंगे, नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है वो डाल देंगे इसमें। अब इसको हम मिक्स करके आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आपके पास टाइम नहीं है तो 15 मिनट भी चलेगा, 15 मिनट भी रख सकते हैं, तो सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा, तो बना सकते हैं। तो आधा घंटे के लिए रख रहे हैं, फिर उसके बाद बाकी के मसाले हम आपको बताते हैं। अभी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये बाकी हमारा फ्रेश क्रीम है, ये घर की फ्रेश क्रीम है, आप रेडीमेड भी ले सकते हो। और ये लहसुन वो है काजू और बादाम, 20-20 काजू है, 20 काजू है, 20 बादाम, इसका पेस्ट बनाएंगे बारीक सा। और ये प्याज है, 3 बड़ी बड़ी प्याज ले लिए, इसको बारीक कट कर लिए। और अब बाकी के मसाले हम खड़े अक्खे मसाले हैं वो फ्राई करेंगे, हल्के से रोस्ट करेंगे, फिर पीस कर बनाएंगे। वो आपको बता रहे हैं क्या क्या पड़ेगा उसमें। अब ये सामान जो हम रोस्ट करेंगे वो आपको दिखा रहे हैं। पांच से छह मिर्च है लाल सूखी, आधा चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच जीरा है, एक जावित्री का टुकड़ा है छोटा, और एक बड़ी इलायची है, छोटा से दालचीनी का टुकड़ा है, 3 लौंग है, 3 छोटी इलायची है। अब इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे और इसमें धनिया का पाउडर भी डाल देंगे रोस्ट करते हुए, वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगी और इसका पाउडर बना लेंगे। अब गैस ऑन कर देंगे, फैन गरम कर लेंगे, उसको स्लो पे कर देंगे। और ये हमारा जो मसाला था इसका रोस्ट के लिए स्लो स्लो आंच पे इसको फ्राई करेंगे हल्का से। इसमें जब अच्छी सी स्मेल आने लगेगी जब इसको निकाल लेंगे। ये इसमें मिर्च की वो डंडी लगी हुई थी उसको निकाल दी हमने, और ये ऐसे इसको हल्के हल्के उससे रोस्ट कर लेंगे। ये हमारा 1 मिनट में रोस्ट हो जाएगा बहुत अच्छा। अब इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आने लगी है, और ये हमारा होने आ गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल देंगे, उसको भी रोस्ट कर लेंगे हल्के से, उसकी भी बहुत अच्छी स्मेल आती है। अगर आपके पास अक्खी धनिया है तो वो भी डाल सकते हो, नहीं तो ये भी चलेगी। अब ये सब एक साथ डालकर इसको जार में पीस लेंगे सूखा सूखा। बस ये हमारा हो गया है। अब इसमें देखो धुआं जैसा निकलने लगा है और बहुत अच्छी स्मेल आने लगी। अब गैस बंद कर देंगे और इसको अब हम निकाल लेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें हमने 3 टेबल स्पून तेल डाल दिए, और ये जो प्याज कटी हुई रखी थी इसको डाल देंगे। अब इसको सोलो ही रखेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज हमको ना एकदम लाइट ही रखना है। बस 1-2 मिनट में ये हो जाएगी, एकदम खाली नरम हो जाए बस इसमें डाल देना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो इसका काला हो जाएगा सालन। इसमें और मसाले नहीं डालने हैं क्योंकि हमारा रोस्ट किया हुआ भी मसाला पड़ा हुआ है इसमें, और काजू बादाम का भी पेस्ट बनाएंगे तो उसमें हरी मिर्च डालकर पीस लेंगे, वो भी एक पेस्ट अलग रहेगा। मसाले तो सब हो गए करीब करीब, तो अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इसमें बस चिकन डालेंगे जो अपना मैरिनेट करके रखे हुए। बस अब ये हो गया, नरम हो गई है थोड़ी थोड़ी, अब इसमें डाल देंगे। अब ये चिकन हमारा इसमें डाल देंगे, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, पानी नहीं डाला जाता है इसमें,
और यही पानी में ये पक जाएगा। अभी इसको ना मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम बाकी के मसाले डालेंगे इसमें। अब इसको ऐसे ढक्कन लगाकर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, फिर देखेंगे खोलकर। जब तक ये पक रहा है, हम अपना ये इसको काजू बादाम और इसमें हरी मिर्च 4-5 डालकर पीस लेंगे। ये काजू बादाम हमने पहले से आधा घंटे के लिए भिगा दिए थे, इससे नरम हो जाता है, एकदम अच्छा फाइन पेस्ट बनता है। अब चलो इसको और वो सूखा मसाला सब पीस कर और आपको दिखा रहे क्या करना है। तो हम खोल कर देखेंगे कैसा हुआ ये। 7 मिनट हो गए हैं हमारे। अब ये देखो चिकन भी थोड़ा गलने लगा है इसका, और इसमें पानी भी थोड़ा ही रह गया, ज़्यादा नहीं बचा है। अब इसमें हमने जो रोस्ट किए थे मसाले और थोड़े दरदरे से पीसे थे, उसको हम इसमें डाल देंगे। और इसमें जो हमारी बची हुई दही थी वो भी डाल देंगे। हमने आधी दही जो बचा लिए थे पहले वो इसमें डाल देंगे। और ये काजू बादाम का पेस्ट हमने रखे बनाकर, इसको भी डाल देंगे। अब इसमें अपना नमक चेक कर लेंगे, नमक कितना है। अगर कम लग रहा है तो नमक भी डाल सकते हैं। और इसको अब ना छोड़ना नहीं है, अब इसको हिलाते रहना है, हिला हिला कर इसको पकाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इसमें काजू बादाम का पेस्ट है ना, वो चिपक जाएगा सब नीचे, तो इसलिए इसको हिलाते रहना रहता है। जब अच्छे से भून जाएगा, जब इसमें फिर हम फ्रेश क्रीम और बाकी का सामान जो बचा है वो डालकर दिखाएंगे। अभी इसको अच्छे से ऐसी भून लेंगे और इसमें अभी 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच ये हमने भून कर और बारीक करके इसको रखे थे, इसको हम रख लेते हैं, जब कभी डालना होता है तो ऐसे ही डाल देते हैं निकाल कर। इसको 1 चम्मच डाल दिए इसको भी। अभी देखो हमारा ये भूंजने आया है इसको, अब ये हो गया, अब ये नहीं लगेगा नहीं नीचे, अब ये थोड़ा पानी बचा है इसमें। ये हम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए फिर रख देंगे, थोड़ा सा अच्छे से अंदर तक सब मसाले चले जाएं और अच्छे से गल जाएगा। फिर 5 मिनट के बाद हम इसके बाकी फ्रेश क्रीम और वो सब डाल। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको देख रहे हैं। अब ये जो फ्रेश क्रीम रखी थी, मलाई है हमारे घर की, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे, 50 ग्राम होगी। इसको अच्छे से हिला देंगे और इसका पानी खुश कर देंगे। इसको 2 मिनट के लिए फिर बंद करके रखेंगे। अब इसको हम हिलाते हुए 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब ये चिकन हमारा देखो कितना अच्छा तैयार हो गया है, तेल ऊपर आ गया है सब इसका, फ्रेश क्रीम का भी वो और वो सब एकदम अच्छा, एकदम कितना अच्छा हो गया, इतना अच्छी खुशबू आ रही है, बस ऐसा लग रहा है खाने का मन कर रहा है। अब इसको हम इसमें, अब ये एकदम से अच्छे से भून गया, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको सेट करेंगे। 1/2 कप पानी डालेंगे। बस अब ये बॉईल हो जाए, बस ये हमारा तैयार है। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डालकर और इसको अब सर्व करेंगे। बहुत अच्छा चिकन महारानी हमारा तैयार हुआ है, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना है, आप लोग भी बनाकर देखिए। अब इसमें हम कोथमीर डालकर अब इसको सर्व करेंगे। अब ये हमारा एकदम बहुत अच्छा तैयार हो गया है और कितना खूबसूरत है बना है, कलर कितना अच्छा आया है इसका। अब हम गैस बंद कर देंगे, अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। अब हम आपको खा कर दिखाते हैं कितना टेस्टी और कितना यम्मी बना है। ये रेसिपी हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे, और आप बनाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपने मेहमानों को भी खिलाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, और दुआ में याद रखिए। बाय बाय।